अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो होने वाला है शिहाब चित्तौर के जो हैं, जो कि इंडियन मुस्लिम हैं, और उनके ऊपर उनको बेसिकली वीज़ा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, जिसकी वजह से वो हज पर जाना चाह रहे थे। बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं उठता कि वो मुस्लिम हैं और इस वजह से हज पर जा रहे हैं तो भाई उनको क्यों नहीं दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम है, बल्कि एक इंसान जब किसी यात्रा के लिए जा रहा है तो आई थिंक उनको अलाउ करना चाहिए था वीज़ा। और आज उसी से ही रिलेटेड हम जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन, क्योंकि आप मेरी राय तो जान ही चुके हैं, लेकिन लोगों की राय क्या है वो आज की इस वीडियो में जानेंगे और उस पर हम मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। जानते हैं कि भाई पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है इसके ऊपर, उनका रिएक्शन क्या होता है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। उनके लोगों को ये कहा जाता है, बताया जाता है कि इंडिया के मुसलमान महफूज नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के मुसलमानों पर बहुत जुल्म करती है, लेकिन उसी टाइम पे जहां ये सब बताया जाता है, इंडिया से एक मुसलमान पैदल हज के लिए मक्का मुकरमा की तरफ रवाना है, उसने प्रॉपर परमिशन ली, तब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम आपको वीज़ा देंगे। लेकिन अब जब वो 3000 किलोमीटर पैदल चल चुका है, वाघा बॉर्डर के करीब आ चुका है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा इशू नहीं किया जा रहा। इस हवाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे। मैं मौजूद हूँ दाता दरबार पे, जो कि पाकिस्तान का सबसे मशहूर जो दरगाह है, लाहौर की पहचान है। यहाँ के जो पाकिस्तानी शहरी हैं, लाहौर के शहरी हैं, उनसे शहाब चतुर भाई के बारे में बात करेंगे कि क्या उन्हें वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं, वीज़ा नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, ये सब बातें करेंगे। और बहुत अहम अनाउंसमेंट इस हवाले से मैं करूँगा वीडियो के लास्ट में, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आकिब। आपका नाम? उमर अली। क्या करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। और आप? बैंक में जॉब करते हैं। आपका नाम अंकल जी? खलीलुल्लाह जी। क्या करते हैं? हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदार हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के मुसलमानों से ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया के मुसलमानों को वहाँ की गवर्नमेंट कैसा ट्रीट करती है, वो बुरा सलूक करती है या अच्छा सलूक करती है? बुरा सलूक कर रही है, बहुत ज्यादा बुरा सलूक कर रही है। बुरा सलूक ज्यादा? हाँ जी। आगे मेरी बात पूरी सुनिएगा, आप बताएं कैसे, क्या लगता है कैसा सलूक कर रहे हैं? बहुत बुरा सलूक करती है। वाकया गुजरात आपके सामने है, ठीक है, को जानवरों की तरह काट दिया गया था। आप बताएं जी कैसा सलूक करती है इंडिया की गवर्नमेंट मुसलमानों के? बुरा सलूक कर रही है जी, वाकया कश्मीर हमारे सामने है। मैं आपको न्यूज़ ये बता रहा हूँ कि इंडिया का एक मुसलमान है शहाब चतुर, जिनका नाम है, उन्होंने हज के लिए इंडिया से पैदल जाना था हज करने के लिए मक्का मुकरमा, पता है आपको? पता है जी। अब इंडिया में इतना उसे प्रोटोकॉल मिला, उस बंदे को चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, उन्होंने उन्हें प्रोटोकॉल जहाँ जहाँ से गुजरा प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया है, पाकिस्तान के करीब आया, पाकिस्तान ने उसे वीज़ा ही नहीं दिया। हमें बड़ी फिक्र है अगर मुसलमानों की, तो फिर मुसलमान को ही नहीं वीज़ा दे रहे, क्या कहेंगे? सर इसमें सिक्योरिटी रिस्क भी आते हैं, अगर सिक्योरिटी रिस्क का पाकिस्तान को है तो उनको पहले पूछा था, उन्होंने चलने से पहले पूछा था कि भाई मैंने यहाँ से जाना है, आप परमिशन देंगे? तब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि हम परमिशन देंगे, अब वो परमिशन नहीं दे रहे। देखेंगे अगर वो पाकिस्तान किसी वजह से उसको रोक रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न हो तो वो बता दे, सामने ले आए, नहीं आया तो उसे मेरे नज़र में वीज़ा देना चाहिए। देना चाहिए आपको तो उसका पता है, क्या कहना? ये पता है उसका, इसके पहले भी उसका छप रहा था, आ रहा था उसका बार बार, हमारी हुकूमत को चाहिए उसको वीज़ा देना। अगर इन्होंने हाँ की थी, वादा किया था, तो फिर पे हम ये कहते हैं मुसलमानों से बड़ा हमें प्यार है, इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा, वो ही जब हम ही नहीं उनके साथ अच्छा ट्रीट करेंगे, कैसा इमेज वो फिर हिंदुस्तान कैसे करेगा, वो काफर लोग कैसे करेंगे उनसे? वो कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप वीडियो इधर मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा, आप देखिएगा, ऐसा प्रोटोकॉल मिल रहा है कि आपकी सोच, आप हैरान हो जाएंगे। हिंदुओं की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से, सिखों की तरफ से बड़ा प्रोटोकॉल उसे मिल रहा है, और मुसलमान हो के हम उसे वीजा ही नहीं दे। बहरहाल बेटे साड़ी हुकूमत नु चाहिए उन्हें वीजा देना, प्रोटोकॉल देना, उन्हें रिहाइश देनी, उन्हें हर तरह की कन्वेंस देनी, बल्कि आपको नहीं लगता इस तरह इंडिया के जो मुसलमान है वो पाकिस्तान के लिए क्या इमेज बनाएंगे? जी बुरा इम्पैक्ट जाएगा हमारे सबकी तरफ, पाकिस्तान की तरफ से, और वैसे भी दीन में कोई जबर नहीं है, वो एक नए काम के लिए निकला, उसे पूरा होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? एक तरफ हम कहते हैं इंडिया के मुसलमान को वहाँ की गवर्नमेंट सेफ नहीं रखे हुए, दूसरी तरफ हम वहाँ के मुसलमानों के साथ एक वीज़ा नहीं दे पा रहे। सर हमें उनको वीज़ा देना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो कोई जासूस है, तो आप उनके साथ सिक्योरिटी चेक करें, कोई लंबा चौड़ा बंदा तो है, आप जब तक वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते दूसरे एग्जिट से, तो आप उसके साथ रहें। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
जैसे कि भाई ने कहा कि इनको वीज़ा देना चाहिए क्योंकि इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, वो किसी और काम के लिए वो हाजी के लिए जा रहा है, तो हमें उनके लिए वीज़ा देना चाहिए। सिर्फ हम ये कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और जब इंडिया का मुसलमान हज के लिए पैदल जा रहा है तो हमें पाकिस्तानी नहीं, हम अगर वीज़ा देंगे तो इंडिया के मुसलमान हमारे लिए क्या सोच रखेंगे। इसके ऊपर मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर वीज़ा ना मिला, एक मिनट जी जी, बहुत ज़्यादा फख्र की बात है, फख्र की बात, इंडिया का आदमी हो, इंडिया का मुसलमान हो तो हज के लिए जाए तो फिर इधर आए हमारे लिए फखर की बात है, हमें चाहिए प्रोटोकॉल के साथ उसे यहाँ से भेजें। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो बड़े सीरियस नोट पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सिर्फ वीडियो है। अगर उसे वीज़ा ना मिला तो जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी हमारी एक मतलब जो हमारी सोर्स है उसके मुताबिक हम प्रोटेस्ट करेंगे बकायदा तौर पर कि हमें उनको वीज़ा देना चाहिए। आइए किसी और से बात करते हैं। स्ट्राइक करेंगे, आप जुलूस कटेंगे इस हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते उर्दू में इस तरह, एक मुसलमान होने के नाते इस तरह कर रहे ने, कि अगर कोई हिंदू सिख ईसाई होता तो उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं। ये सोचने वाली बात है, मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो गैर मुस्लिम्स के साथ कैसा किया जाएगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। और यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करेंगे बकायदा तौर पर, जैसे कि अंकल ने बोला, जिस चीज़ को पता है शहाब का, जो आपसे बात करते हैं, इंडिया का एक मुसलमान है, पैदल हज के लिए जाना चाह रहा है, यहाँ से उसने गुजरना है, लेकिन हम गुजरने नहीं दे रहे पाकिस्तान की हुकूमत, क्या कहना चाहेंगे आपको इस पता है मुसलमान किसी भी जगह हो ना उसे एहतराम से जाना चाहिए, इंडिया का होगा पाकिस्तान का, हम आपस में हमारी ना इतना प्यार मोहब्बत अखलाक होना चाहिए। हम क्यों नहीं वीज़ा दे रहे, एक तरफ हम कहते हैं कि जी इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, महकमे बड़े महकमे वाले पता होना चाहिए जेडे मतलब जानते हैं, उन्हें उन्होंने कैसे देना चाहिए, कितनी को मोहब्बत है हमें दीन इस्लाम के साथ। आइए जी, अगर सर होंगे तो कुछ शक है उर्दू में थोड़ा ज्यादा, अगर उसके उससे कुछ शक है उस पर तो उसे चेक करें, उसके हर किस्म के डॉक्यूमेंट चेक करें, उसके पीछे से चेक करें, डेफिनेटली तो उसको वीजा दे। मजे की बात बताऊं, आपको तो थोड़ा नॉलेज है उनके बारे में, शायद आपने किसी पूरा नॉलेज है, ठीक है हाँ जी। अच्छा, उन्होंने चलने से पहले प्रॉपर गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट से पूछा था कि जी मैं यहाँ से पैदल गुजरूंगा, आप मुझे वीजा देंगे, तब कहा गया जी वीजा देंगे, अब वीजा बिल्कुल कहा गया, ये बार बार आता रहा, ऐसे ही है, ये मोबाइल पे टीवी पे आता रहा, मोबाइल पे आता रहा, ऐसे ही है, असी वीजा देंगे तुसी आओ, असी वेलकम करेंगे, हम ना वेलकम करें ना, ये अच्छी गल नहीं, बहुत बुरा इमेज नहीं जाएगा, बहुत बुरा इमेज, ठीक है। आइए किसी और से बात करते हैं, भाईजान बात करेंगे आप, इंडिया का मुसलमान है, पैदल हज के लिए जाना चाह रहा है, हम क्या कहते हैं इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ऐसे ही कहते हैं जी, बिल्कुल, आपको क्या लगता है हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इंडिया से मुसलमान पैदल चले, बड़े प्रोटोकॉल उसे हिंदुओं ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया है, सिखों ने, ईसाइयों ने बड़ा प्रोटोकॉल, पता है आपको उसका शहाब चतर के, जी जी बिल्कुल, देखें जी बंदे बंदे को पता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस बारे में पता नहीं क्यों खामोश है, हमारा आपको नहीं लगता जब हम वीजा नहीं दे रहे तो इमेज खराब होगा? बिल्कुल खराब होगा, क्यों नहीं हम सोच रहे, एक तरफ हम कहते हैं इंडिया में जुल्म हो गया, मुसलमान को ये कर दिया, दूसरी तरफ वहाँ से कोई मुसलमान आ रहा है तो हम उसे वीजा ही नहीं दे रहे, नहीं देना चाहिए हमें, हम प्रोटोकॉल देंगे तो हमें मिलेगा ना प्रोटोकॉल, देखो तो नेक मकसद के लिए जा रहा है, हाँ जी बिल्कुल नेक मकसद के लिए जा रहा है, वैसे है भी मुसलमान, अगर हिंदू हो तो फिर भी हो सकता है भी मुसलमान वो, हाँ जी बड़ी ये काबिले गौर बात है। आइए किसी और से बात, अच्छा आप बताएं क्या अगर उसे वीज़ा नहीं मिलता तो हमें चाहिए इखलाकन के हम गवर्नमेंट को पीसफुल प्रोटेक्ट एक प्रोटेस्ट करें कि यार पता चले कि यार हम पुरअमन एहतजाज करें? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक मुसलमान भाई है, जब उसे हिंदू इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो हमें भी तो देना चाहिए ना, पर हेलीकॉप्टर से फूल फेंक के जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही है, और हम ये कहें कि जी हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है, फिर बड़ी ये वीडियो मैं जज्बाती हो गई शायद बना रहा हूँ, शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन ये मेरे दिल की बात है, और ये वीडियो के बाद अगर एक दिन दो दिन या तीन दिन के अंदर वीज़ा नहीं मिलता तो प्रॉपर हम प्रोटेस्ट करेंगे लाहौर में, पुरअमन एहतजाज करेंगे, और उसकी भी आपको अपडेट्स मैं देता रहूँगा, हमारा हक बनता है, मुसलमान है, आप प्रोटेस्ट में साथ होंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि हमने नहीं उनका साथ देना तो किसने देना है। इससे मैं मौजूद हूँ दाता दरबार, जो कि पाकिस्तान का सबसे मशहूर दरगाह है और लाहौर की पहचान दाता दरबार, यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से राय ले रहा हूँ। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी आए हैं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं आपको टॉपिक बता दूँ, ये है कि इंडिया से मुसलमान एक हज के लिए जा रहा है पैदल, ठीक है, पैदल चल के उसने पता नहीं 3000 ईरान से सफ़र किया, लंबा चौड़ा सफ़र पैदल करके अब वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब आया तो हम लोग उसे वीज़ा नहीं दे रहे? नहीं, इसके साथ ज्यादती उसे वीज़ा मिलना चाहिए, ईरान उसने जाना है, ठीक है, ठीक है, तो पाकिस्तान से गुजर के आगे ईरान जाएगा तो क्या समझते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, उसको वीज़ा मिलना चाहिए, तरफ हम ये कहते हैं ना कि जी इंडिया के मुसलमान सेफ नहीं, महफूज नहीं, उन पर जुल्म हो रहा है,
बिल्कुल। हम अपना क्या रवैया, हमारे फिर इस तरह तो साबित होता कि हम उनको दिल से नहीं कह रहे, वैसे ऊपर से कह रहे, ऊपर से कह रहे हैं। बिल्कुल आगे आ जाए, गाड़ी गुजरनी है। चले भाई, बस मैंने जा, चले इतना ही कहना, बहुत शुक्रिया। जा किस काम के लिए रहा है जी? एक नेक काम के लिए आज रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा हमारे लिए शायद सबसे बड़ा दुनिया में काम ही वो है जी, इंशाल्लाह वो। हम उस काम को नहीं अगर प्रमोट कर सकते, उस काम के लिए इंडिया के मुसलमान को नहीं भेज सकते, तो हमारे लिए डूब मरने का काम जी। बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो चाह रहे हैं कि हम ये पाकिस्तान उन्हें वीज़ा दे और हम उनका प्रोटोकॉल उनसे बढ़कर करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो भी भाई मुसलमान हैं, उन्होंने बहुत जद्दोजहद करके इतना कुछ किया है। अच्छा अभी थोड़ा सा बस मैं ये कहूँगा कि शहाब चतर को वीज़ा दो, अब मैं शहाब चतर बोलूँगा, आपने आगे से कहना है वीज़ा दो, सब ने ये कहना, ठीक है? शहाब चतर को वीज़ा दो, शहाब चतर को वीज़ा दो, शहाब चतर को वीज़ा दो। बहुत शुक्रिया, आइए जी किसी और से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अंकल जी, इंडिया के मुसलमान आपके ख्याल में कैसे रह रहे हैं? इंडिया में जो मुसलमान है काफ़ी हद तक बदतर हालत में भी है, क्योंकि मैं क्योंकि लोगों के साथ रहा हूँ ना। अच्छा, बेसिकली मैं ओवरसीज में काम करता हूँ, तो वहाँ पर हर कम्युनिटी के आदमी के साथ मेरा रिलेशन है। इंडिया के हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, इंडिया से एक मुसलमान भाई है, पैदल हज के लिए वो जा रहा है मक्का मुकरमा। जी जी। उसने 3000 किलोमीटर का सफर ऑलरेडी तय कर लिया पैदल। ठीक है। अब वो वाघा बॉर्डर के पास आया है, तो उसे वीजा नहीं पाकिस्तान वाले दे रहे, क्या हमारा रवैया ये ठीक है? बिल्कुल रॉन्ग है। हम कौन होते हैं ये कहने वाले, इस ये ऐसा मौका चले इस तरह के वाक्य को देखकर, हम कौन होते हैं देखने कहने वाले कि जी इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जब हम खुद क्या कर रहे हैं? हम खुद उनसे बदतर, एज ए नेशन बात करें ना तो एज ए नेशन, वीजा देना ना देना एक शर्म वाली बात नहीं? बहुत शर्मनाक बात है, ये हमारे मुल्क के लिए बदनामी का बात है। वैसे हमारी जो फॉरन पॉलिसी है बड़ी बैट जा रही है, तो ये तो और ज्यादा इंटरनेशनल लेवल में जाके बन जाएगा। ये जाता है जी, वो अपना सिक्योरिटी का इशू है, ये इशू है, तो भाई चेक कर लो। नहीं, यहाँ पर हमारी कौन सी, हम कौन सा सेफ हैं? कौन आदमी बोलता है कि हम सेफ घूम रहे हैं अपने मुल्क में? हमारी सिक्योरिटी कौन सी बराबर है? अपने घरों में कोई आदमी गारंटी से कह सकता है कि मैं आया हूँ, मैं घर में वापस चला जाऊंगा? देखें जी, सिक्योरिटी का इशू है, ये इनकी राय थी, मैं ये कहता हूँ सिक्योरिटी का इशू है तो यार चेक कर लो, एक बंदा है या दो लोग होंगे, आप उन्हें चेक करो, हमारी एजेंसी किस लिए है। आइए किसी और से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। केरला से आया हुआ है? इधर से आया है या केरला से आ रहा है? जी जी, आप बताएं वजह क्या समझते हैं? आपने वो देखा कि अगर आपको ये पता है केरला से आया तो कितना प्रोटोकॉल रस्ते में उसे मिला? मैंने देखा है उसकी वीडियो भी, मैंने देखी है, बल्कि उसको जो इंडियन पुलिस है उसने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, एज ए हिंदू, एज ए नॉन मुस्लिम, उसने उनको इतना प्रोटोकॉल दिया कि आप उनकी वीडियो देखें। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं? हम नाम के मुसलमान, अपने मुल्क में देखो भाई, ये चीज़ें ज़्यादातर छुप नहीं पाएंगी। हम इल्ज़ाम किसी पे थोड़े टाइम के लिए लगाएंगे, सोशल मीडिया का दौर है, इन्हें पता है, उन्हें पता है, हर एक को पता चल रहा है कि वहाँ की पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है, प्रॉपर सिक्योरिटी दे रही है, और हम लोग वीज़ा ही नहीं दे रहे। और दुनिया के किसी मुल्क में भी वो जाएगा, ईरान में जाएगा, इराक में जाएगा, हर मुल्क उसको प्रोटोकॉल देगा। और हमने क्या किया? हम अपनी सोच देखें ना, हमारी सोच कैसी है पाकिस्तान की? आप प्रोटेस्ट इस पे वीडियो में रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आप ये कहें कि भाई हम पूरा अमन एहतजाज करते हैं, उसे वीजा मिलना? बिल्कुल चाहिए, हम उसके साथ खड़े हैं, एहतजाज नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं। एक मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए हजारों मिल सबसे नेक काम है? नहीं, कोई काम नहीं है, उसके लिए रोका जा रहा है। तो ये हमारे हुक्मरान कौन है? आप देखें ना अपने हुक्मरानों को, हमारी पॉलिटिक्स कितनी गंदी है, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स कितनी गंदी है। अंकल ने भी कहा कि हाँ मैं तो प्रोटेस्ट करूंगा, अगर 2 से 3 दिन के अंदर वीजा ना मिला प्रॉपर एहतजाज करेंगे, पूरा मन एहतजाज करेंगे, किसी प्रॉपर प्लेस पर हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। हम आपके साथ हैं, मीडिया के साथ हैं, बिल्कुल हम साथ खड़े हैं। और मैं ये जानता हूँ इस बात पे अवाम, हर एक अवाम, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, कोई भी हो, वो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि इधर एक तरफ हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ जब इंडिया से मुसलमान पैदल हज के लिए जा रहा है तो हम उसे रोक रहे हैं, हमारे लिए शर्म वाली बात है। क्या कहेंगे इस पर, आप बात करेंगे जी? ठीक है, आइए कि आप बात करेंगे भाई। किस हवाले से? मैं बताता हूँ, इंडिया से मुसलमान पैदल एक मुसलमान भाई है, शहाब चतर, पता है? बिल्कुल हाँ जी, क्यों नहीं, पैदल चल के हज करने गया, किसको नहीं पता, हर बंदे को उसका पता, और आप कह रहे हो उससे सिक्योरिटी इशू है, हैरत वाली बात है। अच्छा तो बताएं फिर पूरा वाकया, थोड़ा सा बताएं क्या उसका वाकया क्या है कि खुदा अल्लाह की राह पे उसने किया ऐसा काम, वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है ये चीज़, अल्लाह की राह पे किया है। और देखें जी उसका माशाल्लाह इतना प्रोटोकॉल बना, हिंदू लोग भी उसको हिंदू लोग बोलते हैं, हिंदू लोग हेलीकॉप्टर से फूल फेंक के बिल्कुल जा रहे थे, हिंदू लोग हर जगह हर शहर पे गया, उसको प्रोटोकॉल मिला, उसकी आवाम भी। पाकिस्तान में प्रोटोकॉल क्या मिला, वीजा ही नहीं मिला?
नहीं मिला, देख ले ऐसे ही है मुसलमान के मुसलमान। शर्म वाली बात बहुत ज्यादा यार। इमेज खराब नहीं होगा पूरी दुनिया में? पाकिस्तान का इमेज क्यों नहीं खराब होगा, बहुत ज्यादा खराब होगा। उसको पिज्जा ही नहीं दिया जा। वजह क्या समझते हैं? चले माँ कोई क्या पता, दूसरी साइड पे एक मिनट के लिए देख लेते हैं जी, शायद कोई वजह हो। क्या वजह हो सकती है? एक बंदा जिसे पूरी दुनिया जान रही है, आप जान रहे हैं। मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या। हमारे मुसलमानों में ना ईमान की हरारत कम हो गई यार। कोई हम खुद ही एक अपने भाई से डरते हैं, मुसलमान भाई से। इसको वीजा जारी करना चाहिए था, उसको प्रोटोकॉल देंगे, टेस्ट करेंगे, पूरा मन एहतजाज करेंगे अगर वीजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बार बार करेंगे, उसके लिए करेंगे। अल्लाह की रजा पे निकला वो पैदल, अंग्रेजों ने उसकी तारीफ की है, गोरों ने की है, हिंदुओं ने इतनी तारीफ की। पता है यार इतना प्रोटोकॉल मिला उसको, अल्लाह की रजा पे जो निकलता है। मशहूर होना चाहते हैं ऐसे मशहूर हो, अल्लाह की रजा पे काम करे, अल्लाह की कसम, अल्लाह जगह पे इज्जत देता है, इज्जत देता है। और इतने मिलियंस में इस टाइम उसके फॉलोअर्स हैं, ना सिर्फ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हर एक इंसान जो उसे जान रहा है उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन हम लोग वीजा नहीं देंगे तो यकीन माने इंटरनेशनली हमारा इमेज बहुत ज्यादा खराब होगा। अब पाकिस्तान का इमेज अल्लाह माफ करे, इमेज कोई हुकूमत तो सही आए, हुकूमत ना का बंदा कुछ सही आए, उसको वीजा जारी करना चाहिए, कांधों पर बिठा के उसको पैदल गलियों में। बात करना चाहता हूँ, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी विदाउट वीजा पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है, विदाउट वीजा दाखिल हो सकता है एक मुस्लिम जो हर। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें शिहाब चटर्जी के बारे में जो है वो कह रहे हैं, लोगों ने बहुत पॉजिटिव आंसर किया है और मैं इस बात पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है इस पर काफी ज्यादा जो है वो गुस्से का इजहार कर रही है कि भाई गवर्नमेंट को जो है वो अलाउ कर देना चाहिए था, परमिशन देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये परमिशन नहीं दी है, जो कि बहुत 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 ज्यादा दुख की बात है। तो आई थिंक कि उनको परमिशन तो वाकई में ही दे देनी चाहिए थी, जिसपे उन्होंने नहीं दी है। तो अब जो है इससे हमारा एक तो नेगेटिव जो है वो इम्प्रेशन जाएगा पूरी दुनिया में, और लोग कहेंगे कि देखो ये तो मुस्लिम के नाम पर, कश्मीर के नाम पर, और जो है वो इंडियन मुस्लिम के नाम पर कितना बोलते थे कि गवर्नमेंट ये कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ सही सलूक नहीं कर रही। लेकिन फिर बात जब आ जाती है गवर्नमेंट की, तो बात तो हम उन पर इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं देख रहे कि यही गवर्नमेंट ने जो है एटलीस्ट वो हज यात्रा के लिए, हर चीज के लिए उनको हेल्प आउट करते हैं। इवन दो इंडियन हिंदू जो है उन्होंने भी उनको इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया है कि भाई वो यात्रा के लिए जा रहे हैं, इतनी दूर हज पर जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं, कोई आम बात नहीं है, हजारों किलोमीटर के फासले पर पैदल जाना, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, और वो भी पाकिस्तान की सरजमीन से जा रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए, फख्र की बात होनी चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि भाई उनको परमिशन नहीं दी जा रही। हाँ माना जा सकता है कि परमिशन सिक्योरिटी रीजन पर ना दी गई हो, लेकिन आप सिक्योरिटी रीजन के कुछ ना कुछ तो स्टेप्स होते हैं ना। आप देखें जैसे इंडियन है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, पाकिस्तानी हिंदू जो है उनको हर तरह की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं जब वो यात्रा के लिए जाते हैं, उनको परमिशन दी जाती है। अभी कितने इश्यूज चल रहे थे, मेजर इश्यूज थे, लेकिन यात्रा के लिए उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने वीजा दिया, हिंदू को तो दे रहे हैं भाई। अभी मेरी फ्रेंड भी आ रही है, उसको वीजा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इतनी कठिन सिचुएशन में भी वो पाकिस्तानी हिंदुओं को जो है वो अलाउ कर रही है, तो हम तो हमारी कंट्री के लोगों को भी तो करना चाहिए ना, हमारी गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए कि भाई वो भले वो इंडियन है बट मुस्लिम है, उसको जो इसी बिना पर ही दे दीजिए ताकि वो अल्लाह ताला के घर पे जाए, वहां पर उमरा करे, और मतलब सोचो कितना हो सकता है इसी बहाने हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, है ना। तो खैर ओवरऑल अच्छा था कि लोगों के ओपिनियन अच्छे थे, पॉजिटिव थे, और एहतजाज का भी बोल दिया, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे जो है वो बड़े दुख की बात है कि भाई परमिशन नहीं दी, इन्होंने देनी चाहिए थी परमिशन, और वाघा बॉर्डर पे वो इंतजार कर रहे हैं लेकिन परमिशन स्टिल नहीं मिल रही है, और बल्कि इनको तो प्रोटोकॉल देना चाहिए था यार, बल्कि इनके साथ तो लोग जितने भी चलते जितने कदम भी, तो आई थिंक कितना सवाब मिलना था इनको, लेकिन अफसोस है। तो आई थिंक इससे काफी नेगेटिव जाएगा इम्प्रेशन जाएगा पूरी दुनिया में, कि जो लोग खुद सवाल उठाते हैं, बोलते हैं इंडियन इंडियन मुस्लिम्स, और आज उनको परमिशन नहीं दे रहे अपनी कंट्री में, तो फिर आप सोच लें कि फिर क्या इम्प्रेशन जाने वाला है।
बाकी आई थिंक कि दे देना चाहिए इनको, अलाउ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए ये सिक्योरिटी रीजंस को क्लियर करते हुए देखते हुए परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी एक ख्वाहिश होती है कि हम लोग जाएं, किसी को जहाज़ में जाने की ख्वाहिश होती है, किसी को बाय वॉक, मतलब हर किसी का अपना एक तरीका होता है। हो सकता है उन्होंने कोई मन्नत मांगी हो सकता है उनकी कोई ख्वाहिश हो, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए यार। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।